Okay, hello everyone. Am I audible? Yes, am I audible? Am I audible? Okay, hello, good evening, Vivek, good evening, Anjali, good evening, everyone. Yes, fine. गुड इवनिंग एवरी वन यस ना आई एम ऑडिबल राइट स्क्रीन इज ऑल्सो विजिबल ना चलो स्टार्ट करते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था उसके आगे हम देखते हैं है नगे हम देखते हैं गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग ओके आई एम विजिबल आई एम ऑडिबल राइट ठीक है हम पढ़ते हैं ठीक है तो आज हमें कमिटमेंट से स्टार्ट करना है ठीक है गुड इवनिंग एवरी वन यस जल्दी से आ जाओ लिंक को शेयर कर दो सो दैट मोर नंबर ऑफ़ पीपल कैन ज्वाइन अस हेलो शुभ लक्ष्मी हेलो हिमानी हेलो अंजलि हेलो एवरी वन वेलकम टू आई एफ एस प्लेटफॉर्म हेलो राजेंद्र कुमार हेलो नेहा सो देखिए ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी की जो आपकी सीरीज़ चल रही है ठीक है आपको लेक्चर्स जो है एक दो दिन के बाद हो रहे हैं जल्दी से जुड़ जाइए क्या बोल रहे हो आप एक में कितना पढ़ा लिया था आपने मैम मैम कॉन्टेस्ट का विनर कौन है हिमानी आहूजाव टोल्ड यू दी कॉन्टेस्ट विनर इज वासु कश्यप ओके दी कॉन्टेस्ट विनर इज वासु कश्यप ओके यस दस्ट विनर इज वासु कश्यप यस कॉन्टेक्टेड आवर टीम ठीक है चलो मैम अभी एक में कितना पढ़ा लिया अब भी स्टार्ट ही कर रहे हैं हम लोग ठीक है थोड़ा सा मुझे कुछ इश्यू आ गया था जल्दी से स्टार्ट कर लेती हूँ अब मैं तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है क्विकली उसका एक रिविजन ले लेते हैं हम ठीक है चलो आ जाओ इधर सो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कशन कर लिया है आ जाओ इधर क्या क्या डिस्कशन कर लिया हमने हमने देख लिया था कि जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है ठीक है डेवलपमेंटल बायोलॉजी है वॉट इज डेवलपमेंट इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस राइट फ्रॉम द बर्थ टू दी राइट फ्रॉम द सिंगल सेल जय टू द बर्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो भी सीरीज ऑफ चेंजेस आ रहे हैं ठीक है जो भी सीरीज ऑफ चेंजेस आ रहे हैं वो इसी में आ रहे हैं कॉन्टेस्ट वन और सेकेंड के कॉन्जिक्यूटिव विनर्स यही रहे हैं बिकॉज इन्हीं के सारे आंसर सही गए हैं ठीक है हिमानी अहूजा ओके कॉन्टेस्ट फर्स्ट एज वेल एज सेकेंड के कॉन्जिक्यूटिव विनर्स यही रहे हैं ओके okay, क्योंकि इन्हीं के सारे क्वेश्चन सही गए हैं दूसरों ने क्वेश्चन नहीं करे थे उतने ठीक है अच्छा अच्छा मिनट्स में ओके okay, नहीं अभी हम स्टार्ट ही कर रहे हैं सुधा तो पाटले इस चैनल पर कब से ऐड आने लगे हैं देखो कब से आने लगे हैं चलो आ जाओ डेवलपमेंटल बायोलॉजी की हम बात कर रहे थे इट्स लॉन्ग प्रोसेस अब यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया था हमने प्लांट डेवलपमेंट देख लिया था एज वेल एज हमने एनिमल डेवलपमेंट देख लिया था क्या देख लिया था प्लांट डेवलपमेंट देख लिया था एज वेल एज एनिमल डेवलपमेंट देख लिया था है ना प्लांट डेवलपमेंट देख लिया था एनिमल डेवलपमेंट देख लिया था फिर हमने बोला था कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है उसमें ग्रोथ इन्वॉल्व होती है ग्रोथ के साथ साथ क्या इन्वॉल्व होता है डिफ्रेंशिएशन जहां पर हम बोलते हैं कि पैटर्न फॉर्मेशन होगा विच विल रिजल्ट इन मॉर्फोजेनेसिस विच विल रिजल्ट इन वॉट इट विल रिजल्ट इन मॉर्फोजेनेसिस राइट ठीक है विल विल रिजल्ट रिजल्ट इन इन इट मॉर्फोजेनेसिस हिमानी आज का कॉन्टेस्ट जरूर दीजिएगा ठीक है हिमानी अंजलि आज का कॉन्टेस्ट जरूर दीजिएगा ठीक है सोनू आज का कॉन्टेस्ट जरूर दीजिएगा मेरी क्लास के बाद ठीक है और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो गिवन नंबर पे जरूर कॉल करिएगा आपको टीम हेल्प करेगी ठीक है डेफिनेटली जितना आप एक्साइटेड है कॉन्टेस्ट देने के लिए उतना हम भी एक्साइटेड है कि हिमानी का नाम आए एज अ विनर आ, या फिर अगर मैं बात कर रही हूँ तो अंजलि बमार का नाम आया एज अ विनर ठीक है ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन में एक बीच में स्टेप आती है जिसका नाम है कमिटमेंट जब सेल डिसाइड करता है कि मुझे एक स्पेसिफिक लीनिएज में जाना है कमिटमेंट के दो सब स्टेजेस होते हैं दैट इज स्पेसिफिकेशन एंड डिटरमिनेशन ठीक है कमिटमेंट के दो स्टेजेस होते हैं दैट इज स्पेसिफिकेशन एंड डिटरमिनेशन ठीक है आज का प्लीज जरूर दीजिएगा ओके okay? आज का प्लीज जरूर दीजिएगा टाइमली दीजिएगा और अगर आपको कांटेस्ट वगैरह मिलने में दिक्कत हो रही है तो इसी वीडियो के नीचे पिन बैक करिएगा ठीक है इसी वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा ओके जिसको जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है आपको पहले के जैसे कॉन्टेस्ट मिले थे आज का कॉन्टेस्ट भी वैसे ही मिलेगा ओके चलो सुधा पाटले ओके वेरी गुड एवरी ठीक है अगेन देर विल बी सम टाइम टाइम लिमिट मतलब कि अगर हम बात करेंगे तो फास्टेस्ट किसने आंसर दिया उसके बेसिस पे कंप्यूटर ने हमें जम्बल्ड करके विनर बताया होगा राइट है ना सुधा हिमानी जो अब बहुत अगर आपके करेक्ट थे तो इसलिए हमें वैसा आंसर मिला है तो इस बार भी आप दीजिएगा मेरे लेक्चर के बाद ही कॉन्टेस्ट दे देना ठीक है चलो सो स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो वॉट इज स्पेसिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन दे आर सब स्टेजेस ऑफ कमिटमेंट तो स्पेसिफिकेशन क्या है वेन एवर डिसाइड्स टू फॉर्म अच्छ ठीक है है अब डिसाइड करता है, जैसे आपने डिसाइड कर लिया था कि अब टेंथ पास कर लिया है आपने तो आपको बायो स्ट्रीम में जाना है या आपको मैथ स्ट्रीम में जाना है ठीक आपने डिसाइड कर लिया था कि आपको बायो स्ट्रीम में जाना है या मैथ स्ट्रीम में जाना है सिमिलरली अगर मैं बात कर रही हूँ डिटर्मिनेशन की तो अब आप डिटरमाइंड हो गए हो ना कि आपको सी एस आई आर नाइटिंग करना है हो गए हो या नहीं आप डिटरमाइंड अभी कि आपको सी एस आई आर नईटी करना है ठीक है तो वो डिफरेंस है स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन में तो हम देखेंगे कि कैसे सेल को हम देख सकते हैं कि वो स्पेसिफाइड है या कैसे हमें पता चल सकता है कि सेल डिटरमाइंड है तो आज के लेक्चर में मैं आपको कमिटमेंट के जो दो सब स्टेजेस होती हैं दैट इज स्पेसिफिकेशन एंड डिटरमिनेशन सबसे पहले किसी भी सेल में स्पेसिफिकेशन होगा फिर डिटरमिनेशन होगा क्या होगा फिर डिटरमिनेशन होगा राइट right? तो स्पेसिफिकेशन के बाद जो डिटर्मिनेशन होता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक सेल स्पेसिफाइड है एक सेल डिटरमाइंड है ये हमें कैसे पता चलेगा ठीक है हेलो महिमा कैसे हैं आप आ जाओ तो हम सबसे पहले ए, हिमानी चलिए मुझे बताइए अंजलि कि हमें कैसे पता चलेगा कि सेल एक डिटरमाइंड है या फिर अगर वो डिटरमाइंड है या फिर स्पेसिफाइड है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं हम न्यूट्रल और नॉन न्यूट्रल मीडियम यूज कर सकते हैं वॉट डू मीन बाय फर्स्ट ऑफ ऑल अ न्यूट्रल मीडियम ठीक है अगर मैं न्यूट्रल मीडियम की बात करती हूं तो ऐसा मीडियम जिसमें कोई भी एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर नहीं है ठीक है नो ग्रोथ फैक्टर नो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट इट लैक्स एनी काइंड ऑफ ग्रोथ फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट सो दैट इट कैन डिसाइड द सेल ऐसा कुछ भी नहीं होता है इट लैक्स एनी काइंड ऑफ इट लैक्स एनी काइंड ऑफ वॉट एनी काइंड ऑफ क्या लैक करता है एनी काइंड ऑफ इट लैक्स एनी काइंड्रिगर एनी काइंड ऑफ फेट और एनी डिटर्मिनेंट विच कैन ट्रिगर एनी काइंड ऑफ फेट वो कुछ बना सके विच कैन ट्रिगर सेल इनटू सम समेट ऐसा कुछ भी नहीं होता उसमें उसे हम क्या बोलते हैं न्यूट्रल मीडियम उसे क्या बोलते हैं न्यूट्रल मीडियम कि उसमें ग्रोथ फैक्टर्स या कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एबसेंट होते हैं जिससे कोई सेल एक फेट ले सके उसका वो एक्टोडम बना सके मीजोडम बना सके ठीक है हाँ जी हेलो अब्बास हेलो कैसे हो गुड आई एम गुड महिमा ना, तो वो सब एबसेंट होते हैं वही नॉन न्यूट्रल मीडियम की अगर मैं बात करूंगी तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स या कुछ ऐसे डिटरमिनेंट्स आर प्रेजेंट विच कैन ट्रिगर एनी फेट इन दी सेल विच कैन ट्रिगर स्पेसिफिक काइंड ऑफ फेट इन अ सेल स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ फेट इन अ सेल फेट यानी एक्टोडम बनाएगा मीजोडम बनाएगा एंडोडम बनाएगा न्यूरॉन बनाएगा कुछ तो ऐसा फैक्टर होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल ओके ट्रांसक्रिप्शन काइंड ऑफ अ फेट फॉर एग्जाम्पल माओडी मसल डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करेगा फॉर एग्जाम्पल वॉट माओडी किस में हेल्प करेगा मसल डिफ्रेंशिएशन में न मसल में तो अगर प्रेजेंट है तो ये मसल बनाएगा अगर है तो तो नहीं बनाएगा तो ऐसे फैक्टर्स जो हैं हम बोल सकते हैं अगर ये प्रेजेंट होंगे तो ये स्पेसिफिक को ट्रिगर कर सकते हैं तो हम कैसे बताएंगे कि एक सेल है या एक सेल है? तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं सपोज हमें पता करना है कि एक सेल स्पेसिफाइड है या नहीं तो सपोज मैंने क्या करा मैंने एक सेल लिया सपोज दिस इज सेल एके दिस इज वॉट दिस इज सेल ए दिस सेल एज नाउ प्लेड इन विच मीडियम इन अ न्यूट्रल मीडियम ठीक है अगर इसे न्यूट्रल मीडियम में रख देते हैं ठीक है तो फर्स्ट केस में हम बोल रहे हैं कि अगर इसे हम न्यूट्रल मीडियम में रखते हैं तो इट रिमेन्स अनडिफ्रेंशिएटेड इट रिमेन्स ये एक मास ऑफ बना रहता है ठीक है मतलब कि मैंने क्या करा देख लो हम बना लेते हैं ये एक पेट्री प्लेट ली मैंने क्या किया आई हैव टेकन वन पेट्री प्लेट आई प्लेस्ड सेल ए हियर दीज आर दीज आर सेल ए व्हेन आई ऑब्जर्व देम इट इज कंसिस्टिंग ऑफ अ न्यूट्रल मीडियम

है ना दूसरा केस ले लेते हैं हम सेल बी ठीक है अगर मैं सेल बी का केस ले लेती हूं और इसे भी न्यूट्रल मीडियम पे रखती हूं जब मैं इसे न्यूट्रल मीडियम पे रखती हूं तो इट डिफरेंशियट्स इनटू एंडोडर्म इट डिफरेंशियट्स इनटू टू एंडोडम किसमें हो गया ये एंडोडर्म में डिफ्रेंशिएट हो गया है तो अब हम क्या बोलेंगे अब हम इसे क्या बोल सकते हैं ये स्पेसिफाइड है या फिर नहीं है बताइए जैसे ए सेल क्या था इट वॉज नॉट स्पेसिफाइड है ना तो यहां पे मैंने बी सेल रखा तो बी सेल वॉज वेन आई ऑब्जर्व इट इट वॉज फॉर्मिंग एंडोडर्मल एंडोडर्मलिएज इट वॉज फॉर्मिंग वॉट इट वॉज फॉर्मिंग एंडोडर्मलियज है ना गुड इवनिंग बुश्रा कैसे है आप चलो आ जाओ लेट क्यों हो गए so, से मुझे ये बता दीजिए कि कौन सा सेल स्पेसिफाइड है बिटवीन सेल ए एंड बी विच सेल इज स्पेसिफाइड कमांस बिटवीन सेल एंड बी विच सेल इज स्पेसिफाइड हाँ जी में रख रहे हैं कैसे मीडियम में रख रहे हैं हम न्यूट्रल मीडियम में ही रख रहे हैं ठीक है ए इज नॉट स्पेसिफाइड वेर इज बी इज स्पेसिफाइड है ना विच रिमेन्स अनिफ्रेंशियटेड इन द्यूट्रल मीडियम इट इजेसिफाइड बी इज स्पेसिफाइड राइट सो सेल ए क्या है हमारा बी क्या है स्पेसिफाइड है ना यही होगा ना ए स्पेसिफाइड नहीं है बी स्पेसिफाइड है अब हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ जी वेरी गुड एवरी वन सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है अब हमें कैसे पता चलेगा कि ए और बी में से दोनों में से डिट अगर मैं बात कर रही हूँ बी जो एक्टोडर्म बना रहा है क्या बना रहा है एंडोडर्म वो डिटरमाइंड है या नहीं इज दी सेल डिटरमाइंड और नॉट सपोज लेट्स टेक द सेल बी इट लेट्स टेक व्हाट लेट्स टेक द सेल बी इट तो हमारा सेल बी है अब मैं सेल बी को क्या कर रही हूँ मैं इसे न्यूट्रल मीडियम पे रखती हूँ तो ये क्या बना रहा है अगर मैं इसको न्यूट्रल मीडियम पे रख रही हूँ तो ये क्या बना रहा है ये बना रहा है एंडोडर्म वहीं अगर मैं इसे नॉन न्यूट्रल मीडियम पे रख देती हूं कैसे मीडियम पे रख देती हूँ नॉन न्यूट्रल मीडियम पे नॉन न्यूट्रल मीडियम इट हैविंग एनी काइंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एनी काइंड ऑफ फैक्टर विच कैन ट्रिगर इट्स फेट ठीक है सपोज मैंने यहां पर मायोडी दे दिया जो मसल डिफ्रेंशिएट करवाएगा ठीक है मीजोडर्म बनवाएगा ठीक है आस्किंग हाउ इट इज ग्रोथ ग्रोथ फैक्टर मैंने क्या लिखा देखो ये ये जो मैंने ग्रोथ फैक्टर और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लिखे हैं दीज आर कहा लिखे है ये विथ रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ठीक है नॉर्मल ग्रोथ विथ रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट प्लीज डेवलपमेंट के लिए जो ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट की बातें कर रही हूँ मैं यहाँ पे ठीक है डेवलपमेंट के लिए सेल डिवाइड होगा सेल बढ़ेगा सेल के लिए ग्रोथ फैक्टर्स प्रेजेंट है जो भी ये बात मैंने लिखी है विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट लिखी है ठीक है रीमा घोष सेल भी नॉन न्यूट्रल मीडियम है मायोडी अब यहां पे हम देखते हैं कि ये मीजोडम बना रहा है मसल डिफ्रेंशिएशन करवा रहा है मीजोडम बना रहा है ठीक है क्या करवा रहा है ये मीजोडम बनवा रहा है आप चाहो तो ग्रोथ फैक्टर हटा दो कंफ्यूज हो रहे हो तो ठीक है इसका मतलब ये डिटरमाइंड है है या स्पेसिफाइड आप एक और सेल ले लो सेल सी सेल सी को अगर मैं न्यूट्रल मीडियम में रखती हूँ ठीक है सेल सी को अगर मैं न्यूट्रल मीडियम में रखती हूँ तो ये बनाता है एक्टोडर्म सेल सी को अगर मैं नॉन न्यूट्रल मीडियम में रखती हूँ जिसमें मैं वैसे डी ही दे रही हूँ ठीक है न हाँ ना? चलो अगर मैं नॉन न्यूट्रल मीडियम में रख रही हूँ तो मान लो मो डी है यहाँ पे ठीक है तो ये तब भी एक्टोडम बना रहा है ये मीजोडम नहीं बना रहा इसका फेट चेंज नहीं हो रहा तो सेल बी और सेल सी में से कौन सा डिटर्मेंट है ठीक है कौन सा डिटर्मेंट है बी और सी में से बताइए क्या पूछना आकाश मित्रा आई ऑन प्रोटीन ओके प्रोटीन प्यूरिफिकेशन नॉट ऑन मसल बायोलॉजी आ जाओ अब ये क्या बता रहा है यहाँ पे सेल बी और सेल सी की अगर हम बात करते हैं तो बी और सी में से कौन सा डिटर्मेंट है दोनों स्पेसिफाइड है ये तो समझ में आ गया दोनों स्पेसिफाइड है ये तो समझ में आ गया क्योंकि न्यूट्रल मीडियम में कोई ना कोई फेट तो ले ही रहे हैं न्यूट्रल मीडियम में कोई ना कोई फेट तो ये ले ही रहे हैं बट नॉन न्यूट्रल मीडियम में मैं जिसे मायो डी दे रही हूं ए केस में इसे फर्स्ट और सेकंड केस ले लो प्लीज नहीं तो ए भी ए भी करते रहोगे इसे फर्स्ट और सेकंड केस ले लो तो फर्स्ट केस में मीजोडर्म में कन्वर्ट हो रहा है सेकेंड में एक्टोडर्म ही रह रहा है तो सी इज डिटरमाइंड एंड बी इज नॉट डिटरमाइंड सो दिस इज नॉट डिटरमाइंड है ना ये क्या हुआ है ये डिटरमाइंड नहीं हुआ है जबकि ये क्या है ये डिटरमाइंड है ये क्या है ये डिटरमाइंड है सो so, इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा सेल स्पेसिफाइड है कौन सा सेल डिटरमाइंड है ठीक है इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा सेल स्पेसिफाइड है या कौन सा सेल डिटरमाइंड है क्लियर है अगर आपसे पूछा जाता है ये जनरली पूछ सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंटल केस दे दिया है आपको वहां आपसे पूछा जा रहा है विच सेल इज डिटरमाइंड विच इज स्पेसिफाइड तो आपको समझ में आना चाहिए yes, everyone, ये वेरी गुड सी इज डिटरमाइंड है ना सी इज डिटरमाइंड चलिए सो हम बोल सकते हैं कि हमें ये तो पता चल गया है कि क्या है हमारे पास ग्रोथ है ग्रोथ हैज एन इंटरमीडिएट स्टेप कॉल्ड एज कमिटमेंट इट इंक्लूड्स स्पेसिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन एंड डिटर्मिनेशन Which is followed by differentiation and morphogenesis. Which is followed by what? It is followed by differentiation and morphogenesis. Okay? So, now, the specification these are three Basically, it is autonomous specification. Second is conditional specification. And third is sensual specification. एन्शियल स्पेसिफिकेशन ठीक है तो ये डिफरेंट तरह के स्पेसिफिकेशंस कैसे होते हैं तो स्पेसिफिकेशन कब हो जाता है तो कोई भी एक सेल है उसमें क्या बनता है जायगोट बनता है फिर अगर हम बात करेंगे तो बा, क्या बनता है जायगोट के बाद टू सेल फोर सेल मोरूला ब्लास्टुला तो जो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन होता है ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन मतलब कि वो खुद से डिसाइड करते हैं कि मुझे स्किन बनाना है मुझे इंटरनल ऑर्गन बनाना है तो जो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन है वो हमें इनवर्टिब्रेड्स में देखने मिलता है जो कंडीशनल ये हमें कहाँ देखने मिलता है इनवर्टिब्रेट्स इसके एग्जाम्पल होते हैं ऑटोनॉमस के कंडीशनल के क्या एग्जांपल्स होते हैं कंडीशनल के क्या एग्जांपल्स होते हैं वर्टिब्रेट्स रेप्टाइल्स एम्फीबिया ये एग्जाम्पल्स आ जाते हैं इसके जबकि सेंशियल जो कंडीशन होती है उसमें हमें इंसेक्ट्स देखने मिलते हैं कौन देखने मिलते हैं इंसेक्ट्स इसमें इसमेंशियल स्पेसिफिकेशन में अगर हम बात करते हैं तो हमें कुछ पार्ट ऑटोनॉमस दिखता है कुछ पार्ट जो हमें है वो कैसा दिखता है हमें कंडीशनल दिखता है तो ये जनरली इंसेक्ट्स में देखने मिलता है ड्रोसोफिला का एग्जांपल हम पढ़ेंगे तो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन में स्पेसिफिकेशन कब हो जाता है ठीक है अगर हम बात करेंगे तो अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस में ही कब हो जाता है अर्ली स्पेसिफिकेशन हो जाता है जबकि अगर मैं डिटर्मिनेशन की बात करती हूँ तो डिटर्मिनेशन मुझे कब देखने मिलता है मतलब सेल स्पेसिफाइड तो बहुत जल्दी हो जाते हैं ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में पर मुझे डिटर्मिनेशन कब देखने मिलेगा मुझे डिटर्मिनेशन देखने मिलता है एट एट सेल स्टेज ठीक है एट सेल स्टेज पे ही ये डिटरमाइन हो जाता है कि हमें कौन सी लीनियज में जाना है वहीं अगर मैं कंडीशनल डेवलपमेंट की बात करती हूँ तो यहाँ पे क्या होता है मिड ब्लास्टुला स्टेजेस में जो है वहां स्पेसिफिकेशन होता है क्या होता है स्टेज में स्पेसिफिकेशन होता है और हम बोलते हैं लेट गेस्टूला में क्या होता है होता है ठीक है की अगर हम बात करते हैं तो इंसेक्ट्स में थोड़ा डिफरेंट तरह का डेवलपमेंट देखने मिलता है हमें डेवलपमेंटल पैटर्न उसमें लेग होता है तो हम यहाँ पर बोलेंगे यहाँ पे ब्लास्टोडर्म बनते हैं तो जो स्पेसिफिकेशन होता है वो अकर होता है सेंशियल ब्लास्टोडर्म कंडीशन में कौन सी कंडीशन में कंडीशन में और जो डिटर्मिनेशन होता है वो होता है, है? तो है आपसे पूछा जा सकता है ठीक है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी अभी हम एक एक करके ऑटोनॉमस क्या होता है ठीक है एज वेल एज कंडीशनल क्या होता है ये सब पढ़ने की कोशिश करते हैं इतनी बात सभी को क्लियर है यस yes, एवरीवन दिस मच इज क्लियर एवरी वन यस हा ना क्लियर है ना चलो आ जाओ हम्म आपको यही बताया है कि देयर आर वॉट देयर आर थ्री जनरल वेज अ सेल कैन बिकम स्पेसिफाइड सेल कैन बिकम वॉट सेल कैन बिकम स्पेसिफाइड अ पर्टिकुलर फेट कौन से तीन है ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन कंडीशनल स्पेसिफिकेशन एंड सेंशियल स्पेसिफिकेशन सो लेट्स डिस्कस नहीं 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 शोभना रिया सबसे पहले क्या होगा कमिटमेंट होगा क्या होगा सबसे पहले कमिटमेंट होगा फिर डिफरेंशिएशन होगा है ना पहले डिटर्मिनेशन होगा फिर difference. पहले आप डिसाइड करोगे ना कि मैं टारगेट कर रहा हूँ सी एस आई नेट फिर आप फिर आपका करियर पाथ क्लियर होगा ना कि आप रिसर्च स्कॉलर बन सकते हो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो सब बातें क्लियर होगी ना पहले ही थोड़ी ना आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे फिर बोलोगे नेट दूंगा या दूंगी ऐसा नहीं होता ना ठीक है ओके चलो आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन मतलब क्या होता है यहाँ पे क्या होता है सेल खुद ही डिसाइड करता है कि मुझे बनना क्या है ठीक है सेल खुद ही डिसाइड करता है कि मुझे क्या बनना है सो इंडिपेंडेंट ऑफ अदर सेल्स इन एम्ब्रियो ओके सेल्फ डिफरेंशिएटिंग पार्ट डिटरमाइंड बाय इंटरनल साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट्स और मॉर्फोजेनेटिक डिटरमिनेंट्स ठीक है क्या बोला जाता है साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट और मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स ठीक है ये कि हमें किस में देखने मिलता है इनवर्टिब्रेट्स में देखने मिलता है जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूं तो ट्यूनिकेट्स हुए मोलस्क हुए उनमें हमें ये देखने मिलता है और यहां पे अगर हम बात करते हैं ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है दैट मोजेक डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व मोजेक डेवलपमेंट मोजेक वर्ड मतलब क्या होता है आपने वो डी आई वाई आइडियाज देखे होंगे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे कि हम क्यूब uh, यूज करके है ना क्यूब्स यूज करके लता मंगेशकर जी की फोटो बना ली एपीजे अब्दुल कलाम जी की फोटो बना ली देखे है ना आपने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जो डू इट योर सेल्फ डी आई वाई आइडियाज आते रहते हैं है ना उसमें हमने अब देखो सोचो अगर एक भी क्यूब मिसिंग है उसमें से तो क्या वो फ्रेम ऑफ पिक्चर कंप्लीट हो पाएगी अरे बचपन में हम वो पजल सॉल्व नहीं करते थे, थे सारे पजल एक साथ जोड़ते थे उसमें से अगर एक भी टुकड़ा मिसिंग है तो वो क्या कंप्लीट हो पाएगा बताइए कंप्लीट हो पाएगा हाँ जी नहीं हो पाएगा सिमिलरली यहां ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में भी सेल खुद डिसाइड करता है मतलब कि ये एक सेल है इस सेल के पास क्या है साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट्स और वी कैन से मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मेंट्स विच विल बी डिसाइडिंग फेट ऑफ द सेल सो ये क्या बने ये टू सेल बनेंगे फिर फोर सेल बनेंगे बना लेते हैं टू सेल बने फोर सेल बने फिर ये एट सेल बन गया डायग्राम है पीछे की तरफ है दो सेल ठीक है ना, ना 3D है ना थ्री डी डाइग्राम है हमारा की तरफ है दो सेल्स मतलब ऐसे टोटल सेल हो गए है ना शोभा ना देखा है ना बिल्कुल बिल्कुल राइट तो मोजेक डेवलपमेंट में वही होगा कि हम क्या बोलेंगे कि अगर एक पार्ट भी मिसिंग है तो वो पार्ट जो एक पार्ट भी अगर मिसिंग है तो वो अडल्ट में भी मिसिंग रहेगा तो ये हमारी एट सेल स्टेज है तो देखो यहां तक तो हम बोल सकते हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था कुछ इस तरह से हम बोल सकते हैं कि देखो यहां पे जो है वो क्या हो रहा है अलग अलग डिफ्रेंशिएशन हो जा रहा है कुछ सेल्स में ये ही चले गए कुछ सेल्स में सिर्फ और सिर्फ कौन सा गया ग्रीन वाला ही गया तो हो सकता है कोई एक सेल एक्टोडर्म बनाए कोई एक सेल एंडोडर्म ही बनाए ठीक है इस तरह से साइटोप्लाज्मिक डिटर्मेंट्स का क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ये कहीं न्यूरॉन ही बना रहा है ये कोई मीजोडर्म ही बना रहा है ठीक है तो इस तरह से हम क्या बोलेंगे यहाँ पे ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन के केस में जो हमारे साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स हैं उनमें ऐसे कुछ अन डिवीजन हो जाता है साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स का जिसके कारण पर्टिकुलर सेल एक पर्टिकुलर फेट ले लेता है तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो लॉस के नॉट बी कॉम्पनसेटेड वही पजल वाली बात है वही क्या है पजल वाली बात है हाँ तो वो डेवलपमेंट में बनेगा ही नहीं ठीक है अगर हार्ट सेल्स मिसिंग है तो हार्ट बनेगा ही नहीं ठीक है सो यहाँ पे लॉस कैन नॉट बी कॉम्पनसेटेड डेफिनेटली लॉस कैन नॉट बी कॉम्पनसेटेड और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो लॉस तो कॉम्पनसेट तो हो ही नहीं सकता साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी

तो देखो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम क्या है एक एग्जाम्पल कि इस तरह से हम अगर अलग कर दे, एट सेल स्टेज पे सबको अलग कर दे, ये जो मैंने एट सेल स्टेज बनाई है इस पे अगर मैं अलग करूंगी ट्यूनिकेट सपोज एग्जाम्पल ले लेती हूं, मैं किसका एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ ट्यूनिकेट्स का किसका एग्जाम्पल ले लिया मैंने ट्यूनिकेट्स का है ट्यूनिकेट्स में एट सेल स्टेज के पहले अगर मैं सेल्स को सेपरेट कर रही हूं सपोज एट फोर सेल स्टेज एट फोर सेल स्टेज मैंने क्या करा सेल्स को सेपरेट किया सेल सेपरेटेड ईच इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग न्यू स्पेसिफिक इंडिविजुअल सेल्स को सेपरेट कर दिया हर एक सेल एक न्यू इंडिविजुअल बना सकता है ठीक है हर एक सेल क्या कर सकता है न्यू इंडिविजुअल इट कैन फॉर्म बट अगर वहीं मैं एट सेल स्टेज पे करती हूँ तो क्या होगा यहाँ पे डिटर्मिनेशन हो चुका है ठीक है अगर मैं यहाँ पे सेपरेट आउट करती हूँ तो मैं देखूंगी कि कुछ सेल्स अगर सपोज मैं दो दो सेल्स के वैसे सेपरेट आउट करती हूँ

अगर ये मीजोडम बना रहे थे तो ये मीजोडम ही बनाएंगे बात समझ में आई सभी को यस yes? है ना तो ये भी मीजोडम बनाएंगे तो अगर हम एट सेल के पहले चेंज करते हैं तो सेल फेट कैन बी ऑल्टर्ड सेल फेट कैन बी ऑल्टर्ड। अगर हम एट सेल के बात करते हैं तो सेल फेट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड सेल्फेट को क्या नहीं किया जा सकता सेल्फेट को ऑल्टर नहीं किया जा सकता ठीक सो so, कुछ इस तरह से हमने दो केसेस देख ली ट्यूनिकेट्स में अगर हम फोर सेल स्टेज पे उसको डिफरेंट अलग-अलग करेंगे तो हाँ अगर हम बोलेंगे तो ए, एक एक्टोडम बना सकता है कोई एंडोडम बना सकता है यहाँ पे डिटर्मिनेशन नहीं हुआ है एट सेल स्टेज के बाद डिटर्मिनेशन हो जाता है ठीक डन है चलो आगे बढ़ते हैं तो ये हमने क्या डिस्कस कर लिया अबाउट दी ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन में इन प्रोसेस ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड देर इज ऑलमोस्ट निल डिफरेंस वहाँ पे प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी इज इक्वल्स टू प्रोस्पेक्टिव फेट प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी मतलब वो कितनी चीजें बना सकता है इट डिपेंड अपॉन दी साइटोप्लाजमिक डिटर्मिनेट्स इट इज है अब देखिए कंडीशनल स्पेसिफिकेशन पे हम आते हैं अगर हम कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो यहां पे क्या होता है ठीक है इफ आई टॉक अबाउट कंडीशनल स्पेसिफिकेशन इट इज ऑब्जर्वड इन वर्टिब्रेट एम्फीबिया रेप्टाइल्स बर्ड्स ठीक है यहाँ पे क्या होता है सेल टू सेल में इंटरेक्शन होता है मतलब कि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन वो है चलो हमारा दोस्त बोल रहा है पार्टी करने चलते हैं तो हम पार्टी करने चले गए हमारा दोस्त बोल रहा है चलो पढ़ लेते हैं ज्यादा पढ़ लेते हैं तो हमने भी पढ़ लिया जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं है ना जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं वो ठीक है ऐसा होता है ना कि हम हॉस्टल में एक ही रूम में रह रहे हैं तो ऑफकोर्स डेफिनेटली अगर हमारा दोस्त चार बजे से उठ के पढ़ रहा है तो थोड़ी तो शर्म हमें भी आएगी हम छह बजे उठ पढ़ने लगेंगे होता है ना कि वो हमें एक फोर्स ट्रिगर कर रहा है राइट दो ही और शी इज नॉट सेइंग एनीथिंग बट एक फोर्स ट्रिगर कर रहा है सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होता है यहाँ पे क्या होता है सेल जो एनवायरमेंट है सेल किस एनवायरमेंट में प्रेजेंट है उसके बेसिस पे स्पेसिफिकेशन होगा उसके बेसिस पे स्पेसिफिकेशन होगा तो किस तरह के इंट्रेक्शन हो सकते हैं तो हम बोल सकते हैं पैराकाइन इंट्रेक्शन हो सकते हैं मतलब कि डायरेक्ट रिसेप्टर और का लिगैंडशन हो रहा है दो सेल्स के बीच में ये सेल कोई सिग्नल रिलीज कर रहा है एक में एक क्लोज विसिनिटी में कोई सेल है है जो ये सिग्नल रिसीव कर रहा ठीक है ठीके? और फिर ये डिफ्रेंशिएट हो रहा है या फिर ये अपना लीनियस डिसाइड कर रहा है कि मिजोडम मे बनूंगा या एक्टोडम बनूंगा जो भी बनूंगा तो सपोज सेल ए इज गाइडिंग सेल बी टू बिकम वॉट होता था, था ना मेरा दोस्त साइंस ले रहा तो मैंने भी साइंस ले लिया ना? Yes, है ना यस बिल्कुल अमरिंदू रोए रहे हो आप पोटेंसी इज ग्रेटर देन फेट है ना हमें भी नहीं पता ना कि हम अच्छी संगत में रहकर कितना अच्छा कर सकते हैं वही बात है ठीक है तो पैराक्राइन में ऐसा होता है अगर डायरेक्ट कॉन्टे कॉन्टेक्ट रहेगा जस्टा क्राइम सिग्नलिंग भी हो सकती है जस्टा क्राइन इंट्रेक्शन भी हो सकते हैं जैसे कि हमारे पास एक ए सेल है ठीक है ये कोई लिगेंड शो कर रहा है इससे कोई रिसेप्टर इंटरैक्ट कर रहा है बी सेल तो दिस इज जस्टा क्राइम तो इस तरह से सेल टू सेल इंटरेक्शन होता है तो दूसरे सेल का फेट डिसाइड होता है दिस इज कॉल्ड एज व्हाट दिस इज कॉल्ड एज कंडीशनल स्पेसिफिकेशन यस दिस इज कॉल्ड एज कंडीशनल स्पेसिफिकेशन तो यहां पे क्या होगा यहां पे अगर हम देखेंगे तो लॉस कैन बी कंपेंसेटेड है ना लॉस कैन बी कंपेंसेटेड मतलब कि हमारे पास इतने अच्छे दोस्त हैं कि वो हमारी अटेंडेंस की प्रॉक्सी लगा देते हैं सिंपल सी बात है ना हम क्लास में हो चाहे ना हो हमारी प्रॉक्सी तो लग जाती है राइट सो so, यहाँ पर ऐसे ही लॉस कैन बी कॉम्पनसेटेड क्या हो सकता है लॉस कैन बी कॉम्पनसेटेड कि हम नहीं हैं तो भी लॉस क्या हो सकता है कॉम्पनसेटेड होता है दूसरे सेल्स उसकी जगह ले लेंगे

क्योंकि हम बोलेंगे सेल टू सेल इंट्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पे हमें किस तरह का डेवलपमेंट देखने मिलता है यहाँ पे हमें रेगुलेटिव डेवलपमेंट ऑब्जर्व होता है kind of हियर मोजेक पैटर्न में डेवलपमेंट ऑब्जर्व हो रहा था यहाँ पे रेगुलेटिव डेवलपमेंट ऑब्जर्व होता है हमें वहां पे लॉस फुलफिल नहीं किया जा सकता था यहाँ पे लॉस फुलफिल किया जा सकता है ठीक है चल सो रेगुलेटिव डेवलपमेंट देखने मिलता है हमें तो सपोज अगर मैं बात कर रही हूं तो यहाँ पे क्या है चलो हम देख लेते हैं सपोज ये अर्ली हमारा क्या है ये स्टेज है ये फ्रॉग एम्ब्रियो है क्या है हमारा यहाँ पे ये यह हमारा फ्रॉग एम्ब्रियो है अब ये फ्रॉग एम्ब्रियो में से अगर मैं सपोज ठीक है हम दो सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ए बी ठीक है ये हमारा ट्यूनिकेट एम्ब्रियो है कौन सा एम्ब्रियो हमारा ट्यूनिकेट का एम्ब्रियो है अब हमने क्या करा है यहाँ पे मैंने यहाँ पे आई फॉर्मिंग सेल्स रिमूव कर दिए हैं आई फॉर्मिंग सेल्स या फिर हम लिख सकते हैं हार्ट फॉर्मिंग सेल्स हार्ट फॉर्मिंग सेल्स आर रिमूव्ड अगर मैं फ्रॉग एम्ब्रियो की बात कर रही हूं तो मैंने यहाँ से रिमूव करें कौन से सेल्स आई फॉर्मिंग सेल्स रिमूव कर दिए ठीक है थीके? तो यहां पे क्या हुआ यहाँ पे हम देखेंगे जो डेवलपमेंट प्रोसीड हुआ यहाँ पे क्या हुआ डेवलपमेंट प्रोसीड हुआ क्रॉक का एम्ब्रियो था तो अफकोर्स टेडपोल लार्वा बनेगा है ना

टे यहाँ पे क्या हुआ ये जो सेल्स रिमूव हुए थे जो हमारे रिमूव हुए थे यहां पर लॉस कंपनसेट हो गया तो अगर लॉस कंपनसेटेड हो गया लॉस इज कंपनसेटेड मतलब की कि किस तरह का स्पेसिफिकेशन हुआ देर फोर कंडीशनल स्पेसिफिकेशन ऐसा पूछा जा सकता है आपको एक्सपेरिमेंटल बेस्ड राइट है तो ये एक रेगुलेटिव मैनर में हो रहा है कैसा हो रहा है रेगुलेटिव मैनर में वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी अगर हमने यहां से ये यह मैंने बोला ट्यूनिकेट का एम्ब्रियो है ट्यूनिकेट का अर्ली एम्ब्रियो है अब इसमें हमने क्या करा है हमने एट सेल्स स्टेज पर ही सेल्स निकाल दिए हैं तो क्या रिजल्टेंट देखने मिलेगा मुझे डेवलपमेंट तो प्रोसीड हो रहा है ठीक है डेवलपमेंट तो प्रोसीड हो रहा है बट दी अडल्ट लैक्स हार्ट उसमें दिल ही नहीं बना लो तो यहाँ पे क्या हुआ डेवलपमेंट प्रोसीड हुआ बट हार्ट ही नहीं बना वायेबल नहीं होगा अडल्ट है ना हेलो शो शोभना हेलो शोभा देवी तो so, अगर आप में हमारे न्यू स्टूडेंट है तो बिल्कुल सबसे पहले तो लाइक कर लो शेयर कर देना इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर सब्सक्राइब कर लो ठीक है और आईएफएस ऐप से कॉन्टेक्ट जरूर देना ठीक है तो मोजेक पैटर्न डेवलप होगा यहाँ पे है ना? क्या होगा यहाँ पे मोजेक पैटर्न डेवलप होता है मतलब कि यहाँ पे लॉस के नॉट बी कॉम्पनसेटेड लॉस के नॉट बी कॉम्पनसेटेड अगर लॉस कॉम्पनसेट नहीं हो सकता तो हम क्या बोलेंगे किस तरह का है ये देर फोर ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन कैसा स्पेसिफिकेशन हो जाएगा ये ये हो जाएगा हमारा ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन ठीक है ये हमारा ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन हो जाएगा ठीक है चलो तो कुछ इस तरह से देखो यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ तो कुछ इस तरह से हमसे क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी से तो हमारे हमें से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि, कि किस तरह का स्पेसिफिकेशन देखने मिल रहा है हमें ठीक है चलो इफ सपोज है ना और अगर मैं सेंशियल स्पेसिफिकेशन की बात करती हूँ तो सेंशियल स्पेसिफिकेशन क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं तो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में डिटर्मिनेशन और स्पेसिफिकेशन कब होता है बताइए मुझे स्पेसिफिकेशन मुझे देखने मिलता है मिड ब्लास्टुला स्टेज में है ना किस स्टेज में देखने मिलता है मुझे मिड ब्लास्टुला स्टेज में और डिटर्मिनेशन मुझे कब देखने मिलता है लेट गैस्ट्रोला स्टेज में राइट डिटर्मिनेशन कहाँ देखने मिलता है मुझे लेट गेस्ट स्टेज में मतलब कि सपोज अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ ठीक है चलिए मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर मैं क्या कर रही हूँ इफ आई एम चेंजिंग वॉट इफ आई एम चेंजिंग दोजिशन सपोज एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम चलो इधर आओ कि मैंने क्या करा मैं एक मैंने सिंपल सी बात बोली है कि अगर मैं लेट ब्लास्टुला ठीक है अगर मैं क्या कर रही हूँ मैं लेट ब्लास्टुला सेल्स को लेट ब्लास्टुला स्टेज से मैंने कुछ सेल्स की स्टेज क्या करी पोजीशन चेंज कर दी तो सपोज ये हमारा लेट ब्लास्टुला स्टेज है ठीक है लेट ब्लास्टुला स्टेज में मैं बोल रही हूँ कि ये एंडोडम बना रहा था ये मीजोडम बना रहा था

वट विल बी देयर फेट विल बी देर फॉर्मिंग विल बी देर चलिए बताइए क्या बना ले होंगे वो येलो कलर के सेल्स वो एक्टोडम बना रहे होंगे या एंडोडम बना रहे होंगे बताइए चलिए सभी लोग क्या बना रहे होंगे वो सो yes, so, ये एक्टोडाम है ये मिजोडाम है ये एंडोडाम है Still स्टिल एक्टोडम क्यों स्टिल एक्टोडम चलिए नेक्स्ट केस में एक और बार हमने एक और केस बना लिया यहाँ पे हमने क्या बोला है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ सेल्स थे ये एंडोडाम बना रहे थे मैंने इन्हें यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो अब ये सेल्स क्या बनाएंगे सो आपके पास ए केस है आपके पास बी केस है तो ए केस में शोभना और विवेक बोल रहे हैं एक्टोडाम बनाएंगे तो शोभना और विवेक बी केस में क्या बनाएंगे बताइए बी केस में क्या बनाएंगे प्लीज बताओ हाँ जी बी केस में क्या बनाएंगे कमन टेलमी Yes, please. Come on, everyone. तो देखो लेट ब्लास्टुला स्टेज पर डिटर्मिनेशन हुआ है क्या ये आपको देखना होगा है ना लेट ब्लास्टूला स्टेज पर अगर अगर मैं बात कर रही हूं कि डिटर्मिनेशन हुआ है क्या ये आपको देखना होगा वही अगर मैं लेट गैस्टूला स्टेज की बात करूंगी तो यहाँ तो डिटर्मिनेशन हो चुका है है ना यहाँ तो डिटर्मिनेशन हो चुका है तो यहाँ पे ये क्या बनाएंगे एंडोडर्म सो दीज जबकि यहाँ पे ये एक्टोडर्म ही बनाएंगे है ना बहुत सिंपल सी बात है मैम चेंजेस नहीं होंगे यस yes. बिल्कुल सही बात है द सेल फेट कैन बी चेंज ओनली अपटिल वॉट अपटिल अर्ली गेस्टूला इन लेट गेस्टूला डिटर्मिनेशन अकर्स सो इट के नॉट द सेल्फ एड के नॉट बी चेंजड ठीक है सेल्फ एड तब चेंज नहीं किया जा सकता जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बी एस सी के बाद भी आप सोचते कि मुझे आ, अगर मैं लाइफ साइंसेज पढ़ रहा हूँ तो मुझे इस फील्ड को चेंज करके किसी और फील्ड में जाना है तो आप आसानी से जा सकते थे अब आप डिटमाइंड तब आप स्पेसिफाइड थे ग्रेजुएशन किया था अब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया आप डिटर्मिंड हो गए हैं राइट आपका पूरा नॉलेज इस फील्ड में तो डेफिनेटली आप इसी फील्ड में एक्सेल करना चाहेंगे यस और नो है ना सिमिलरली यहाँ पे भी यही हो गया है ठीक चलो तो अब मैं बात कर लेती हूँ की सो so, यहाँ पे क्या होता है इंट्रैक्शन बिटवीन रीजन ऑफ सेल बिफोर सेल्यूराइजेशन सो इट इज बेसिकली ऑब्जर्व इन इंसेक्ट्स मोस्टली किसमें देखने मिलता है हमें इंसेक्ट्स में देखने मिलता है सो so, इंसेक्ट जो रहते हैं इंसेक्ट्स का जो एग रहता है एग कैसा रहता है उनका सेंट्रोलेसिथल एग रहता है कैसा रहता है बीच में योग ज़्यादा रहता है इसलिए हम क्या बोलते हैं इसके एग को सेंट्रोलेसिथल एग बोलते हैं और यहाँ पर क्या होता है सेंट्रोलेसिथल एग होने के साथ साथ यहाँ पे हम बोलते हैं कि प्रोटीन्स का एक मॉर्फोजन ग्रेडियंट बनता है सेंशियल स्पेसिफिकेशन इन्वॉल्व बोथ इन्वॉल्व बोध ऑटोनॉमस एज वेल एस कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है हा जी राजेंद्र कुमार स्पेसिफिकेशन मिड ग्लास्टूला तक हो जाएगा एंड ये लेट ग्लास्टूला में होगा ये फिक्सड है so अब यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे ऑटोनॉमस इनवॉल्स बोध ऑटोनोमस एज वेल एज कंडीशनल स्पेसिफिकेशन एज वेल एज वॉट एज वेल एज कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है ना दोनों ही चीजें होती हैं क्या होता है दोनों ही चीजें हमें देखने मिलती है तो ये हमारा क्या है एक सेंट्रल ऐसे इन दिस एग देर इज फॉर्मेशन ऑफ वॉट देर इज फॉर्मेशन ऑफ अ मोर्फोजन ग्रेडियंट देर इज फॉर्मेशन ऑफ मॉर्फोजन ग्रेडियंट जिसके बेसिस पे फर्दर हम बोलेंगे डेवलपमेंट होगा ठीक है स्पेसिफिकेशन हुआ है ना हाँ तो अमरेंदू रॉय एक एस लेट ब्लास्टुला स्टेज है ना तो अगर सेल्स स्पेसिफाइड भी हैं तो वही वो अपना फेट तो चेंज कर सकते हैं ना लेट ब्लास्टुला स्टेज में सेल्स स्पेसिफाइड है पर डिटरमाइंड नहीं है ना अगर सेल स्पेसिफाइड है तो वो अपना फेट चेंज कर सकते हैं अगर सेल्स डिटरमाइंड हो गए तो अपना फेट चेंज नहीं कर सकते ना इसलिए ठीक है क्लियर है अब इस स्टेज पे सेल्स स्पेसिफाइड होंगे सेल्स आर स्पेसिफाइड नॉट डिटरमाइंड दे कैन चेंज देयर फेट सेल्स आर स्पेसिफाइड नॉट डिटरमाइंड स्पेसिफाइड होते हैं तो सेल्स फेट चेंज कर सकते हैं cells are determined. क्या हो गए यहाँ पे सेल्स डिटरमाइंड है ठीक है चलो सोसेंशियल कंडीशन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो हम क्या बोल रहे हैं देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मोरफोजन ग्रेडियंट क्या बनता है यहाँ पे यहाँ पे एक मोरफोजन ग्रेडियंट बनता है मॉर्फोजन ग्रेडियंट बनता है और किस तरह से बनता है अब यह हम इस सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे ठीक है आप सभी को मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूंगी कि आपको करना क्या है आपको जाना है ऐप स्टोर पर या फिर प्ले स्टोर पे वहां से आपको आई एफ एस डाउनलोड करना है क्या डाउनलोड करना है यू हैव टू डाउनलोड आई एफ एस वंस यू डाउनलोड दी आई एफ एस एप वहाँ पर आप फ्री सेक्शन में जाइए ठीक है आपको रजिस्टर करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री सेक्शन में जाइए डेवलपमेंट बायो में जाएंगे आप तो आपको वहाँ पर कॉन्टेस्ट मिलेगा डेट वाइज ठीक है क्या होगा आपको आपको कॉन्टेस्ट मिलेगा डेट वाइज इस कॉन्टेस्ट को जरूर अटैम्प्ट करिए ठीक है इस कॉन्टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट करिए इस कॉन्टेस्ट से के विनर्स को डेफिनेटली सरप्राइजेस रहेंगे आई की तरफ से सो हिमानी एंड दी अदर वंस एवरी वन शोभना सुधा पाटले महिमा प्लीज़ डू गिव दी कॉन्टेस्ट एवरी वन ठीक है कॉन्टेस्ट जरूर दीजिए ठीक है कॉन्टेस्ट देंगे तो आप ना सिर्फ आपकी पढ़ाई ब्रशअप हो रही है साथ ही साथ यू कैन बी विनर्स ऑफ द मॉड्यूल नंबर सिक्सटीन सेवनटीन ठीक है आप जानते ही हैं जो मॉड्यूल फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन हैं तो मॉड्यूल फिफ्टीन में पार्ट बी के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है मॉड्यूल मॉड्यूल फिफ्टीन में पार्ट सी के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है मॉड्यूल फोर्टीन में पार्ट बी के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है मॉड्यूल सिक्सटीन सारे पी वाई क्यूज हैं जब से सी एस आर नेट होता है तब से लेकर अब तक बहुत सारे पी वाई क्यूज जितने भी आए हैं तो ऐसा नहीं है सिर्फ पी वाई क्यूज प्रेजेंट हैं वो सॉर्टेड है टॉपिक वाइज सॉर्टेड है एंड साथ ही साथ अगर मैं मॉड्यूल नंबर सेवनटीन की बात करती हूँ तो ये जनरल एप्टीट्यूड के हैं तो अगर आप कॉन्टेस्ट विनर रहते हैं तो आपको कोई भी एक मॉड्यूल मिल सकता है तो कॉन्टेस्ट जरूर दीजिए और जिन भी स्टूडेंट्स को कॉन्टेस्ट नहीं मिल रहा है इस वीडियो के नीचे ही कमेंट करिए प्लीज कि यू आर अनेबल टू फाइंड द टीम विल गाइड यू ओके चलिए है ना टीम विल गाइड यू ओके एवरी चलिए सो स्पेशली आप ये जरूर कर लीजिएगा कि आप कॉन्टेस्ट जरूर दें ठीक है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी मैंने आपको आज डिस्कस करा आपके साथ आपको समझ आया है या नहीं ठीक है चलो थैंक यू सो मच एवरी वन एंड हैप्पी लर्निंग स्टे कनेक्टेड टू आई एफ एस बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं और आपके जैसे जैसे एग्जाम्स आ रहे हैं आई एफ एफ के जो सिस्टर चैनल्स हैं वहां पर भी लाइव लेक्चर सीरीज चली रही है जैसे आई एफ एस पी एस सी पब्लिक सर्विस कमीशन आई एफ एस गेट जहाँ पे ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग बी हो एक्सेल हो एज वेल एज अगर मैं बात कर रही हूँ सेट है entrances के आई टी जैम या फिर गैड भी है आई टी जैम बी टी चैनल है या फिर गैड भी है एंड डू शेयर दी वर्ड ठीक है जैसे आपका भला हो रहा है वैसे दूसरों का भी भला होना चाहिए ठीक है एवरी वन सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर लेट्स मीट इन नेक्स्ट सेशन सून थैंक यू सो मच एवरी वन एंड हैप्पी लर्निंग